गदर 2 रिलीज होगी, उधर पाकिस्तान में गदर 2 के बैन करने की मांग शुरू हो जाएगी। गदर 2 आने से पहले सकीना के घर में मचा बवाल। कश्मीर फाइल की तरह गदर 2 भी प्रमोट कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टैक्स फ्री होगी फिल्म। अजीत डोभाल और सेना के IG सबका है सीन। लाल सिंह चड्ढा वाले भी देख लेंगे कि कैसे बनती है फिल्म। खान की तिकड़ी हो या फिर कपूर परिवार, साउथ के सुपरस्टार हो या फिर बाहुबली के प्रभास, गदर 2 सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी। 21 साल पहले गदर एक प्रेम कथा आई थी, सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म उस समय की बॉलीवुड की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। 2001 में 265 करोड़ की कमाई का हिसाब अगर लगाएंगे तो आज के वक्त ये पैसा 2500 करोड़ में बदल जाएगा। गदर एक प्रेम कथा का पार्ट 2 11 अगस्त को रिलीज हो रहा है, जिसकी खुशी भारत में तो है पर पाकिस्तान में इसको लेकर मातम है, क्योंकि अगर ये फिल्म आ गई तो फिर से पाकिस्तान का नाक कटवा देगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फिल्म की कहानी क्या है, उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में इसको लेकर मातम क्यों छा गया है। इस फिल्म को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म इसलिए भी हिट हो सकती है क्योंकि सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी के साथ साथ इस फिल्म में सेना का भी रोल दिखाया गया है। ये फिल्म पुष्पा, बाहुबली और RR का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। इस फिल्म को PM नरेंद्र मोदी भी प्रमोट कर सकते हैं। ये फिल्म इधर भारत में रिलीज होगी, उधर पाकिस्तान में बैन करने की मांग उठ रही है। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव बाल की धुनाई करते हैं, उसी तरीके से सनी देओल भी पंप उखाड़ कर फिर मारेंगे, इस लिहाज से तो बवाल होना तय है। कुछ दिन पहले फिल्म की कहानी लीक हो गई थी, जिसके हिसाब से उत्कर्ष शर्मा का किरदार सैनिक का हो सकता है। पाकिस्तान की आर्मी सनी देओल के बेटे उत्कर्ष शर्मा को कैद कर लेती है, उसके बाद सनी देओल पाकिस्तान जाकर सुनामी ला देंगे। यह वही उत्कर्ष शर्मा है जो गदर पार्ट 1 में सनी देओल के बेटे का रोल निभाया था। फिल्म में 1971 की भारत और पाकिस्तान की लड़ाई की सीन को रिक्रिएट किया गया है। इस फिल्म में कई सीन ऐसे भी हैं जो आपको सिनेमा हॉल में खड़ा होकर ताली बजाने के लिए मजबूर कर देंगे, और कई सीन ऐसे भी हैं जो आपकी आंखों में आंसू ला देंगे। गदर पार्ट 1 जब आया था उस समय भारत और पाकिस्तान का रिश्ता मजबूत नहीं था। 1999 की कारगिल के बाद दोनों देशों में कड़वाहट और भी ज्यादा हो गई, और उसके बाद आई गदर एक प्रेम कथा। उस फिल्म में पाकिस्तान की हुकूमत का रोल अमरीश पुरी ने निभाया था। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा नारा इस फिल्म में गूंजा था। कुछ उसी तरह गदर पार्ट 2 भी आने वाली है, जो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली है, लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर विरोध चल रहा है, बैन करने की मांग चल रही है। बॉलीवुड हमेशा पाकिस्तान प्रेम को लेकर ही फिल्म बनाता है। सनी देओल का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ही अलग है। सनी देओल ने हमेशा हिंदुस्तान की आन बान शान वाली मूवी बनाई है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि मूवी रिलीज होती है तो क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर पोस्ट।